अगर आप अभी भी आलस कर रहे हो तो याद रखना कि एट द एंड ऑफ द डे आपकी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं रहने वाली, क्योंकि किसी भी काम को डिसिप्लिन से करने के पीछे एक वादा होता है, एक प्रॉमिस जो आप खुद से करते हो। आप में से कई लोग जो आज भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फीलिंग्स की वजह से है। तुमको सवेरे उठना पसंद नहीं आता, तो यार किसी को पसंद नहीं आता है। हर दिन जब आप अपनी फीलिंग्स के चलते अपने सपनों को ना कह देते हो, तो ना जाने आप कितने दिन, कितने महीने और ना जाने कितने साल पीछे चले जाते हो। वो दो चार दिन जब आप अपने गोल्स पर काम नहीं करते हो, ना जाने आप अपने गोल से कितना पीछे चले जाते हो, अपनी इस कंसिस्टेंसी को किस हद तक ब्रेक कर देते हो। प्लीज़ ऐसा मत करो। जवान हो, थोड़ा जोश लाओ, मन को मजबूत करो और अपने गोल्स को पूरा करो। जस्ट गेट इट डन। कोई भी आदमी उस वक्त अपने गोल्स को पूरा कर लेता है जब उसका मूड अच्छा होता है या उसका साथ जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा होता है। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये है कि क्या आप उस वक्त भी उस काम को कर पाते हो जब आपका मूड नहीं है, दिन अच्छा नहीं बीता, बहुत थके हुए हो, आलस आ रहा है। यही वो एक्चुअल समय है जब आपको अपने गोल्स पर काम करना होता है। इससे पता चलता है कि आपका डेडिकेशन कितना है। उस समय आपको खुद को बताना है कि मैं हार्ड वर्क करूँगा, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा, मैं अभी आराम करके ज़िंदगी भर नहीं रोना चाहता, मैं अपनी की हुई गलतियों को दोबारा नहीं दोहराऊँगा, अब मैं हार नहीं मानूँगा। ध्यान रहे, उन रिजल्ट्स के पीछे मत रोना जो तुम चाहते थे पर तुम्हें नहीं मिले, क्योंकि उनके पीछे तुमने कभी काम ही नहीं किया, कभी अपना 100% नहीं दिया। मैंने समय पर काम नहीं किया, मैंने जो बोला था करके दिखाऊंगा नहीं दिखाया। जानते हो कि सफलता त्याग से मिलती है। हर किसी को बॉडी बनाना है पर कोई रोज जिम जाके मेहनत नहीं करना चाहता। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल बट नोबडी इज विलिंग टू वर्क हार्ड फॉर इट। सो जस्ट बी मोर डिसिप्लिन्ड। जो कहते हो उसे पूरा करो। बी अ मैन ऑफ योर वर्ड्स। आपका ये आलस आपसे आपके सपने नहीं, आपसे आपकी खुशियाँ छीन लेगा।